हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा अग्रवाल। अब नया साल आने वाला है तो हम बनाएंगे वीडियो कि अपकमिंग ब्लेसिंग्स 2020 में आपके लिए क्या है। जब भी नया साल आता है तो हमें कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे होता है कि ये साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा, जो पिछले साल प्रॉब्लम फेस करी उनको हम छोड़ते हैं और अब हम नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, नई शुरुआत करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं हम वेट करते हैं कि भगवान हमारा साथ दे, हमें कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आए। तो 2020 में आप क्या अच्छा अट्रैक्ट करने वाले हैं, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेस करने वाला है वो जानते हैं। क्योंकि जब हमें कहीं किसी सपोर्ट का मालूम चल जाता है, ये पता रहता है कि ये एनर्जीज़ हमें इस लेवल तक सपोर्ट कर रही हैं, हमें ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो हमारा काम करने का जो एनर्जी लेवल है वो और हाई हो जाता है, हम बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चार ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। आपने इन चारों में से किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने उस ग्रुप के बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंगली वीडियो को व्यू करके। इन चारों को सिलेक्ट करने से पहले आप 30 सेकंड्स का मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपको इसी वीडियो में एक म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। तो उस 30 सेकंड्स के वीडियो के बाद, 30 सेकंड्स के उस ऑडियो की मेडिटेशन के बाद आप इन चारों में से किसी भी ग्रुप के साथ कनेक्शन फील करें और फिर वो ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए देखेंगे विद इन 2020। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रुप 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आने वाली हैं। तो बी ओपन। जब हमें मालूम होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो हम रिसीव करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर हम अच्छे रिसीवर ही नहीं होंगे तो हम चीज़ों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम बुलाएंगे। तो बी ओपन और कार्ड्स में देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं 2020 में। 2020 में आपको किसी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल मेंबर का सपोर्ट मिलेगा, एक ऐसी फीमेल मेंबर जो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी फ्रेंड, आपकी कुलीग, आपकी मदर, आपकी डॉटर, आपकी सिस्टर, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिलेशन में आपको एक फीमेल का सपोर्ट मिलेगा जो बहुत स्ट्रांग है, जो इंटरनली आपकी बहुत केयर करती हैं, जिनमें अमेजिंग हीलिंग एनर्जीज हैं, ऐसी हीलिंग एनर्जीज जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकती हैं। उनकी गाइडेंस, उनके डिसिप्लिन के अंडर रहना, उनका कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आपके लिए बेनिफिशियरी ही है। कोकोनट जैसे होता है ना, कि हम कोकोनट क्या होता है, बाहर से बहुत हार्ड होता है बट अंदर से सॉफ्ट होता है, तो उसी तरह की फीमेल एनर्जीज आपको ब्लेस कर रही है और उसी तरह की फीमेल एनर्जीज आपको सपोर्ट करने वाली हैं। आपका खुद के प्रति डिसिप्लिन्ड होना, आपका थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, फ्रीडम लवर होना और अपनी एनर्जीज को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना, ये भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। कि आपको एक लेवल तक जब आप है तो आपको ये नहीं सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस तरह का जो थॉट प्रोसेस है वो आपके अंदर इंटरनली खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। एक इक्वल रिलेशनशिप मींस कोई भी काम, चाहे आप किसी जॉब में हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं या आप किसी
रिलेशनशिप में हैं या आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं, तो गॉड आपको ब्लेस कर रहा है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा 2020 में। जो आपका हक है, जो आपका राइट है, जो आपके लिए करेक्ट है, वो बैलेंस्ड वे में आपको ज़रूर मिलेगा। और उसके लिए आपको सबसे अच्छी बात है कि किसी ना किसी का सपोर्ट मिल रहा है। एस ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस कार्ड्स आर वेरी गुड, हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज लाते हैं, हमेशा गुड न्यूज़ लाते हैं। तो किसी ना किसी चीज़ की नई शुरुआत 2020 में आप करेंगे और वो शुरुआत इन द लॉन्ग रन आपको बहुत सपोर्ट करेगी। जो आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं अब वो एक्शन में कन्वर्ट होने के लिए एकदम रेडी हैं। नाउ यू आर ऑन द इनिशियल स्टेज, अपनी फर्स्ट इनिशियल स्टेज को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हैं 2020 में। उसके बाद आप नए रास्ते खोजेंगे, उसके बाद आप और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपनी पूरी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हुए आप 2020 में बहुत कुछ नया शुरू करेंगे। लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी फीमेल की पॉजिटिव एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और आपके अंदर अपने अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैं अपना इनर पोटेंशियल पहचानूं और लोग कुछ भी कहें बट मैं उसको अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करूं। तो ये था ग्रुप वन। अब देखते हैं ग्रुप टू, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या है। तो बी द रिसीवर, आप रिसीव कीजिए यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग्स। और वो ब्लेसिंग्स क्या हैं? आपने अब तक जितने भी गुड कर्माज एक्यूमिनेट किए, आपने जितना भी काम किया, जितने भी लोगों से आप मिले, उनके साथ आपने जो भी किया, उनमें से जो आपके अच्छे कर्मा हैं और जो बुरे कर्मा हैं, दोनों में बैलेंस्ड करते हुए अब 2020 में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी। मीन्स आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिलेगा इन बैलेंस्ड वे। अभी तक आपके साथ अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है, लोगों ने आपको चीट किया है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, लीगल नहीं है, वो सब चीज़ें अब आपकी करेक्ट होने वाली हैं। अब आपकी लाइफ में उस अन्याय का यूनिवर्स ही अब आपको पे करेगा कि भाई आपके साथ अभी जो भी इनजस्टिस हुआ था, हम उसके लिए आपको एक तरह से कंपनसेट कर रहे हैं और अब आपके साथ आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। कमांड आपके हाथ में आने वाली है यूनिवर्स से। जो भी लोगों ने गलत किया उनके कर्मा सामने आएंगे और आप क्लियर होते चले जाओगे। अगर कहीं पर मान लीजिए आपको डी फेम मिला बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, पर 2020 में क्लैरिटी आएगी, लोगों को मालूम चलेगा कि आप तो गलत थे ही नहीं, तो आपका वो फेम आप वापस से पा लेंगे। आने वाले समय में आप को ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको कि आप फ्यूचर अपना प्लान कर पाएंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, जो मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, जिस रिलेशनशिप में आप आएंगे, वो सब इन द लॉन्ग रन आपको बहुत अच्छा पे कर जाएगा। इन द लॉन्ग रन वो चीज़ आपको आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी, आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएगी। कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए ठीक नहीं हैं, मे बी कि कुछ हम बैड हैबिट्स में इंडल्ज हो जाते हैं या हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हैं, वो बुरी संगत हम ऐसा बोल सकते हैं, तो बैड कंपनी अब आपकी रिलीज होने वाली है 2020 में। आप जो भी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है या कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं या कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आपकी जमती नहीं है और आप एथिकली भी मानते हैं कि ही और शी इज़ नॉट करेक्ट, तो वहाँ अब आप उसको छोड़ सकते हैं। एनर्जीज अपने आप अपना काम करेंगी।
अपनी सेट बाउंड्री से अब आप बाहर आने वाले हैं, उस इम्प्रिजनमेंट से जो आपने खुद ही क्रिएट की है, अपनी एनर्जीज का जो आपने आज तक यूज ही नहीं किया, अपने पोटेंशियल को आपने ड्रेन होने दिया और अपने आप को बहुत बंधा बंधा सा जो महसूस किया अब तक, अब आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। ये मौका है 2020 में जंप कर अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलने का। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप किसी रिलेशन से बाहर आना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ये 2020 इज़ द बेस्ट टाइम टू सेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और अपने पोटेंशियल को पूरा पहचानिए। इतना एनर्जी लेवल है, इतना शार्प ब्रेन है जो बेकार जा रहा था, तो अब 2020 में गॉड आपको ब्लेस कर रहा है कि आप अपनी उस पूरी क्षमता को पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे, परफेक्शन की तरफ जाएंगे। जो आपका एक्चुअल में मोटिव है यहाँ इस लाइफ में आने का, इस धरती पर आने का, वो पर्पस अब आप पूरा करेंगे। द एम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि आपने अब तक जो भी काम किया है उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और फ्यूचर को प्लान करते हुए भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ऑल इज़ वेल, सभी प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं, हमेशा आपको प्लैनेट्स का सपोर्ट मिलने वाला है 2020 में इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ लाइफ। आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, आपको एक लविंग एनर्जी अट्रैक्ट करने वाली है। मींस आप जो भी काम टीम वर्क में करना चाहते हैं उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। किसी ना किसी की गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहेगी, बट मोर ओवर आप खुद भी इतने कैपेबल हैं कि आप अपनी अपने आप सेल्फ डिसीजंस ले सकते हैं। 2020 में जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, पेड़ पौधे, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबको आप जितना ये सब आपके लिए एक तरीके से सपोर्टिंग हैंड है। आप नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आप मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, घर में पौधे हैं उनमें भी पानी डाल सकते हैं, या बर्ड्स वगैरह को आप फीड करा सकते हैं। एनिमल्स हैं तो आप उनको भी थोड़ा सा कुछ फीड करा सकते हैं, काउ फूड दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जितना नेचुरल एनर्जीज के साथ जुड़ेंगे, सनलाइट, आप सूर्य की रोशनी में आप थोड़ी देर अपने आप को टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे कि आपको नेचुरल सोलर एनर्जी जब मिलेंगी तो आपका एनर्जी लेवल खुद ब खुद इम्प्रूव होगा। तो नेचर के साथ आप जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको उतनी ही क्लैरिटी मिलती जाएगी और अपनी सेट बाउंड्रीज से बाहर निकलने का 2020 इज द बेस्ट टाइम। अब देखते हैं कि ग्रुप 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया उनके लिए ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं ईश्वर 2020 में। 2020 में आप जो भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज भी अगर हैं तो भी आप उनसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही हमें अबंडेंस में बहुत चीज़ें मिलें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती, बहुत रिसोर्सेज, बहुत सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, पर स्टिल हम सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो 2020 में जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो सपोर्ट आपके पास है, जो लोग आपके पास हैं, जो अपनी कैपेबिलिटी आपके पास है, आप उन सबको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और उसके लिए ये है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप होती चली जाएगी एडजस्टमेंट की। जहाँ अपना बेनिफिट है वहाँ पर आप मर्ज हो पाएंगे, वहाँ स्विच कर पाएंगे। अपनी पोटेंशियल को पहचानते हुए, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानते हुए, आप बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के अपने लेवल पर चीज़ों को प्यार से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि जब हम में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है तब हम चीज़ों को बहुत ही आराम से हैंडल करते हैं। उस समय हमें एंग्जाइटी नहीं होती, एग्रेशन नहीं होता, वॉयलेंट नहीं होते हम। किसी थर्ड पर्सन की आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलने वाली है 2020 में, बट उस गाइडेंस के लिए आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा।
सीक्रेटिव मैनर में आप जितना चलेंगे आप में वो कैपेबिलिटी आएगी कि आप चीज़ों को थोड़ा हाइड कर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी सबको ट्रांसपेरेंट वे में नहीं बता रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो चीज़ों को बैलेंस करना, प्यार से हैंडल करना, अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना, प्रोफेशनल गाइडेंस मिली है बट आप बहुत ज़्यादा लोगों को शोर नहीं मचा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। ऐसे ही हायर अथॉरिटीज आपको मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। बस फर्क इतना है कि वो अपनी टर्म्स कंडीशंस और रूल्स पर आपको हेल्प करेंगी। तो अगर वो भी चीज़ है कि कोई अपनी टर्म्स पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस दे रहा है, आपको मेजर सपोर्ट दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता चला जाएगा, बस उस सपोर्ट के लिए यू हैव टू पे। अगर यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो बदले में यूनिवर्स चाहता है कि आप चैरिटी करें। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको फीस देनी होगी, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ भी फीस देनी होगी, लॉयर के पास जाएंगे तो उसके चार्जेस देने होंगे। तो जो भी आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना है, तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और आपको सपोर्ट मिलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती चली जाएगी। लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ेंगे जिनसे आपको फ़ायदा नहीं है बट स्टिल वो आपके साथ हैं, तो उनका सिर्फ होना भी आपकी लाइफ में मैटर करता है। तो क्लैरिटी धीरे धीरे आती चली जाएगी, शिफ्ट होते जाएंगे आप सिचुएशन टू सिचुएशन, अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करने की क्षमता आप में आती जाएगी। और ये सब एडजस्टमेंट, ये सब करने के लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल गाइडेंस की जो ज़रूरत है वो भी आपको मिल जाएगी। स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी आपकी इंक्रीज होगी। तो 2020 में अगर आप मेडिटेशन या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो वो तो सबसे ही बड़ी हेल्प है। वी आर सेइंग कि कोई प्रोफेशनल गाइडेंस, तो आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं या आप नॉर्मल मेडिटेशन करेंगे तो आपको यूनिवर्स से खुद ब खुद गाइडेंस आना शुरू हो जाएगा, और वो गाइडेंस फॉलो करेंगे आपका अच्छा होगा, तो आप बदले में लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली गिव एंड टेक रहेगा 2020 में आपके लिए। अब देखते हैं ग्रुप 4 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ग्रुप 4 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारी चॉइसेस, और सभी चॉइसेस अपने साथ अबंडेंस लिए हुए हैं। बस यू नीड टू चेक, आपको सही सिलेक्शन करना है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हायर लेवल पर जाने वाली है 2020 में। उसके लिए आपको अपने अंदर का ही जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपके अंदर वो पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, उसको पहचानेंगे आप। सही और गलत में जस्टिफाई करते हुए, उनमें डिफ्रेंशिएट करते हुए आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज का बहुत यूज़ करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आएगा जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर जाएगा। उसमें आपका मंत्रा चैंटिंग भी हो सकता है, मेडिटेशन भी हो सकता है, कुछ भी, या आप कोई चैरिटी में आ सकते हैं, एनजीओज ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़ेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पर चलने से ही आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी है। 2020 में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके घर में आएगी, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है या आपके खुद से रिलेटेड या पेरेंट्स से रिलेटेड। तो फैमिली में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। गॉड आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देगा कि या तो आप जिस सिचुएशन में हैं उसको आप पॉजिटिवली फेस करें, उसके लिए वर्क करें। अगर आप उसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो यू विल हैव द चांस कि आप उस सिचुएशन से पूरी तरह से मूव ऑन हो जाएं।
किसी रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसे बहुत आराम से वहीं पर वाइंड अप कर कर आगे निकल जाएं। तो आपका पूरा एफर्ट, जो भी आप जिस भी चीज में एफर्ट डालेंगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, पर आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा। द चैरियट इंडिकेट करता है एज अ ब्लेसिंग कि आपके अंदर आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव्ड रहेगी और आप में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत रहेगा। आप अपनी विल पावर डेवलप कर पाएंगे, स्ट्रांगली एक चीज के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर आप जब फोकस्ड होकर आप चलेंगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो यूनिवर्स भी आपको यही बता रहा है, यूनिवर्स भी यही ब्लेस कर रहा है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, तो यू शुड बी हैप्पी। लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती, दे वॉन्ट टू वर्क बट उनके पास ऑप्शन नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती कि मैं करूँ क्या। आपके पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आप किसी भी एक चॉइस को ग्रैब कर सकते हैं। किसी हीलर की आपको हेल्प मिल सकती है। मून एनर्जी आपके लिए ब्लेसिंग है 2020 में। जितना आप मून को वर्शिप करेंगे उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, उतना आपको सही पाथ मिलेगा, सही रास्ते मिलेंगे। तो मून एनर्जी आपके लिए इस समय एलिक्सर का काम करेगी, अमृत है आपके लिए। आप जितना चंद्रमा को पूजा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उससे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आपको चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे, स्टक हो रहे हैं, तो मून एनर्जी विल सपोर्ट यू।